अब अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा वाला है हमारे पास। ठीक है जी, ये है अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मेरे पास मंथ है जिसको मैं डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये कैलेंडर की तरह बिहेव करता है जिसमें हमारे पास उस मंथ के डेज वगैरह आ जाते हैं। वहाँ छुट्टियाँ हैं, अगर जैसे सरकारी छुट्टियाँ होती हैं, गजटेड हॉलीडे होते हैं तो मैंने डाल रखे हैं, तो वो ऑरेंज से हाईलाइटेड दिखा रहा होगा, और सैटरडे संडे आपको येलो से हाईलाइटेड दिखा रहा है। और जो भी आपको दिखा रहा है अटेंडेंस, इसमें ये एक फॉर्मूला है, और जैसे ही मैं यहाँ से चेंज करता हूँ इसका टाइटल भी बदल जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे सितंबर आ गया, लीव ऐसे आ रही है अलग से सिलेक्टेड। हेलो। हाँ जी आ रही है, तो फिर आप इस पर रहिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे उसको पूछ लीजिएगा चैट पे। ठीक है, आज डेमो देखो। हाँ आज ही जाके करिए, आज डेमो देख लीजिए मेरा, एक अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है, मैं देखिए उसमें क्या क्या बनाता हूँ। ठीक है जी। हाँ तो सर चलिए अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनाते हैं। इसमें क्या है कि मैंने जो हॉलीडे लिस्ट है वो यहाँ पे दे रखी है, सरकारी छुट्टियाँ सारी, और लीव जो मैं डालता हूँ वो यहाँ डालता हूँ, इनकी एम्प्लॉय आईडी डालता हूँ, डेट डालता हूँ, क्या नाम है एम्प्लॉय का, और यहाँ पे एल करके लीव लगा देता हूँ। जो भी बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास लंबी चौड़ी अटेंडेंस है, तो किसी भी आदमी की अटेंडेंस निकालने में जो एक चीज होती है, अगर हम खाली उसकी छुट्टियां डालें तो हमारी एंट्रीज कम हो जाती हैं, बजाय इसके कि डेली हम पी 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 ये सब डालते जा रहे हैं, तो छुट्टियां डालें। और दूसरा, मंथ चेंज होने पे आपको ये नहीं करना पड़ता कि आपको नई शीट बनानी है और फिर कुछ करना है, आपने बस यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा, एक ही फाइल के अंदर आपकी कई सालों की अटेंडेंस आ जाती है, आपको बस यहाँ से सिलेक्ट करना है, एक डेटाबेस की तरह काम करता है ये। ठीक है जी, सबकी। अब देखेंगे जैसे भारत 1 फरवरी 2013 को आया, तो फरवरी के महीने में चलते हैं, या फिर किसी ऐसे को पकड़ते हैं जो मिडल मंथ में, 14 अप्रैल 2013 को आया, तो मैं अप्रैल का मंथ जब सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी अटेंडेंस जो है वो 14 अप्रैल के बाद से ही शुरू हो रही है। ठीक है जी। और दूसरा, अगर हम आज के करंट इसमें जाएं, जैसे अब चल रहा है मई चल रहा है 2014, इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे अटेंडेंस आज की डेट तक भरी हुई दिखाएगा, बाकी खाली दिखाएगा, और टुडे की जो डेट है वो हाईलाइटेड दिखाएगा, अलग तरह से दिखाएगा। तो चलिए आज इसको बनाते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट हो सकता है, मे बी आपको थोड़ी देर में समझ आए, पर आप आगे भी इसके बारे में और फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा पूरा सिस्टम। ये पूरा सिस्टम इतना पावरफुल है कि अगर आपने इसको 3 बार बना लिया तो आप फॉर्मूला पे अच्छी खासी कमांड कर जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या दिखाना है, मंथ मंथ और ईयर यहाँ से चूज कराने एक लिस्ट के थ्रू। तो लिस्ट कहाँ से आती है, वो हमारी डेटा वैलिडेशन से आती है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन का मिक्सअप है सारी चीजों का। डेटा वैलिडेशन में लिस्ट में पहले मुझे डालनी है, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन है और यहाँ पे एक लिस्ट है, तो यहाँ पे मैं वो लिस्ट डाल सकता हूँ। मंथ को मैं तरह से दे देता हूँ। ठीक है जी। अब क्या देखेंगे, जब हम इस पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे मंथ आने लग गए। दूसरा, इयर्स के लिए भी हम ऐसी ही लिस्ट चूज कर लेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से लिस्ट चूज करेंगे और यहाँ वैल्यू डाल देंगे, 2014, 2015, 2016,
3 साल डाल देते, आगे बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है जी, अब मुझे क्या करना है कि एक कैलेंडर सिस्टम बनाना है। पहले मुझे, मैं कुछ एम्प्लॉई आईडीज ले लेता हूँ, नेम ले लेता हूँ उनके, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग ले लेता हूँ। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पे डेज के नाम देने, डेज देने 1 से लेकर 31 तक दे देता हूँ। इसको जरा अलाइन कर लेता हूँ थोड़ा सा। देख लेते हैं 31 तक बढ़ा देते हैं इसको, क्योंकि मैक्सिमम जो डेज होते हैं हमारे पास 31 होते हैं, तो उनको इसी के जैसा बना देते हैं। ये मैंने खाली अलाइनमेंट के लिए किया है, एक्चुअल क्या करना है हमें, यहाँ पे डेट डालनी है। मैंने डेट कैसे डालते हैं, डेट का एक फॉर्मूला है हमारे पास, जिसमें से ईयर जो है मैं वो यहां से चूज कर लेता हूँ, मंथ जो है मैं वो यहां से चूज कर लेता हूँ, और डे पहली बार डाल देता हूँ 1। अब 1 तारीख तो होगी होगी, तो ये मेरे पास डेट आ गई। इसको क्या करते हैं, नंबर फॉर्मेट में जाके यहाँ कस्टम में चले जाएंगे, कस्टम फॉर्मेट यूज करेंगे, और इस पे कर देंगे DD। ये आ गई हमारे पास, मतलब दिन है पर डेट है। सर मैं ऐसा करता हूँ, अब इनको मैं क्लास ले रहा हूँ, आपसे मैं आधे घंटे बाद बात करता हूँ। थैंक यू। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया, डेट के फॉर्मेट से मैंने खाली डीडी दिन उठाए। अब मैंने क्या करना है, इसमें +1 कर देना है। ठीक है जी, इसमें +1 कर देना, और इसको मैं इसको ड्रैग करके ले गया मैं यहाँ तक। ठीक है जी, अब ड्रैग करके ले गया, ये सारे डेट फॉर्मेट में ही 31 तक हैं। अब एक चीज करेंगे इसमें कि ये कैलेंडर की तरह बिहेव करे। सपोज यहां से मैं सिलेक्ट करूं 2, अब ये क्या कर रहा है, जब मैंने फरवरी का मंथ लिया तो डेट चल रही है, डेट में 1+ कर देते हैं तो वो अगले दिन पे चला जाता है। तो फरवरी का महीना 28 का था, तो ये मार्च की यहाँ पे डेट दिखाने लगा। अब क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है कि यहाँ हमारी मंथ से ज्यादा की डेट नहीं आनी चाहिए। तो मैक्सिमम आपको पता है कि 28 है, तो 29 यहाँ पे आ रहा है, वहां पे एक फॉर्मूला लगाएंगे हम इफ का। अब इफ का फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि अगर ये कैलकुलेशन ग्रेटर देन है ईओ मंथ, एक फॉर्मूला है हमारा एंड ऑफ मंथ इस डेट से, और यहां 0 डाल देंगे क्योंकि करंट मंथ की बात हो रही है, एंड ऑफ मंथ रिटर्न करेगा, यानी कि 28 फरवरी। अगर ये 28 फरवरी से बड़ा हुआ या 31 जनवरी हुई, तो मान लीजिए 31 जनवरी से बड़ा हुआ, इस तरह से ही काम करता है, 30 अप्रैल से बड़ा हुआ,
इस तरह से काम करेगा ये। तो यहाँ पे ब्लैंक दिखाए, अदरवाइज क्या करे, यहाँ पे यही कैलकुलेशन को कंटिन्यू रखे। इसमें मैं क्या करूंगा, इसको फिक्स कर देता हूं। अब इसमें जब यहां पे आया, यहां पे ब्लैंक हो गया और यहां पे प्लस वन चल रहा है, तो ये तो डेफिनेटली एरर क्रिएट करेगा। तो मैं एक इफ एरर का फॉर्मूला और लगा देता हूं। इफ एरर का फॉर्मूला क्या करता है, अगर मेरे पहले पैरामीटर में एरर आ रही है तो अब उसे क्या करना है ये मुझे उसे बताना होगा। कॉमा से सेपरेट करके मैंने दे दिया ब्लैंक, डबल इन्वर्टेड कॉमा जब दे दूंगा मैं, उसका मतलब ब्लैंक होगा। अब मैंने इसको ड्रैग किया। अब देखिए होता क्या है, जब मैं यहां से चेंज करता हूं, मान लीजिए मार्च पे आता हूं, तो ये पूरा 31 दिखा रहा है क्योंकि 31 दिन मार्च में होते हैं। अब वो फॉर्मूला जो हमारा है कि ये कैलकुलेशन ग्रेटर है, नहीं है। अगर हम अप्रैल पे आते हैं तो 30 अप्रैल है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो 31 होती, 1 अप्रैल होती, तो वो इससे बड़ा ही होता डेफिनेटली, इसलिए वहां पे ब्लैंक आ गया। तो अब हमने क्या बना दिया, यहाँ पे कैलेंडर बना दिया। अब थोड़ा सा कस्टम फॉर्मेटिंग को और यूज करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, यहां से जो हम कस्टम फॉर्मेटिंग के जरिए करते हैं वो अपने टेक्स्ट फॉर्मूला के जरिए भी कर सकते हैं। अब टेक्स्ट फॉर्मूला में मैंने नीचे वाली वैल्यू ली और फॉर्मेट टेक्स्ट में उसे दे दिया DDD, मतलब संडे मंडे वगैरह दिखाएगा मुझे। तो जी ये जो दिन होगा उस डेट को ये मुझे दिखा देगा। तो यहाँ पे आप डेज देख सकते हैं, अब क्या करते हैं थोड़ा सा इसको वो कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं अपने मन मुताबिक। बॉर्डर वाला एम्प्लॉय आईडी दे दूं मैं, यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूं, अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो बीच में पूछ लीजिएगा। अब पीछे से बैकग्राउंड से मेरे को डिस्टरबेंस आ रही है, अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो अपना बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर दें। हाँ तो अब हमने देखा कि हमने यहाँ पे डेट से कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे इनके नाम भी डाल दिए, हर एक को एक आईडी दे दी, यहाँ पे इनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे देते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग देते हैं जैसे 6 जनवरी, हम इसमें से देख लेते हैं जनवरी की कुछ ज्वाइनिंग दे देते हैं। हमारे पास जनवरी में सैटरडे संडे बचा के, क्योंकि सैटरडे संडे वैसे छुट्टी रहती है तो ज्वाइनिंग कैसे होगी। तो ये 6 तारीख को मैं पहली ज्वाइनिंग दिखाता हूँ, 6 जनवरी 14। दूसरी मैं दिखा देता हूँ 21 जनवरी 14। कुछ ज्वाइनिंग जो है फरवरी के मंथ में दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे 5 फेब 14, 26 फेब 14, कुछ मार्च के दिखा देता हूँ 2। मार्च 5 14 और 13 मार्च 14, ये मैंने ज्वाइनिंग दिखा दी।
अब देखते हैं कि हमारा ये सिस्टम कैसा चल रहा है। तो मैं यहाँ से मंथ सिलेक्ट करता हूँ तो डेज भी बदलते हैं, फरवरी सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ये कैलेंडर की तरह बिहेव कर रहा है एकदम। अब क्या करना है मुझे, जहाँ सैटरडे संडे आ रहे हैं वहाँ येलो से हाईलाइट कराना है। तो इसके लिए हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला कैसे डालते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। आप यहां से जाएंगे न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल इज टू फॉर्मेट। और यहां पे मैंने करना है अगर D7 इक्वल टू D7 अगर, या D6 कर लेते हैं, डायरेक्ट हम यहां से उठा लेते हैं। ये जो है हमारा, ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो है अगर इक्वल टू है सैटरडे के, ठीक है जी, ये ट्रू फॉल्स दिखा देगा। अभी इसको करते हैं और फॉर्मूला के अंदर, क्योंकि हमें दो कंडीशन देनी है। और फॉर्मूला क्या करेगा, जब दो कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाएगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो मैंने सेम में संडे भी ले लिया, तो दोनों में से कोई भी दिन हो तो ये हमें ट्रू या फॉल्स दिखा देगा। अब इस फॉर्मूला को यहां से कॉपी कर लेते हैं। और हाँ, उससे पहले, कॉपी करने से पहले हमें वैल्यू को फ्रीज करना होगा, क्योंकि जब मैं उसको ड्रैग करूंगा, फॉर्मेट को ड्रैग करूंगा, तो ये मेरी रो नहीं चेंज होनी चाहिए। कॉलम बेशक चेंज हो जाए, रो नहीं चेंज होनी चाहिए। अब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी किया मैंने पूरे को, यहां पे आया जहां से मुझे लगाना था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला पे गया, ओके किया। न्यू रू अपने उसी पे जाता हूं मैं, मैनेज में, जहां ये मैंने फॉर्मूला डाला है, फॉर्मेट चूज कर लूंगा कैसा होना चाहिए, फिल में से मैंने येलो चूज कर लिया, ओके किया, अप्लाई। अब इसको फॉर्मेट प्रिंटर से मैंने फॉर्मेट कर दिया पूरे में, ठीक है जी। इसमें क्या हुआ, एक फॉर्मेट यहाँ का गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा से सेट कर लेते हैं। कस्टम में जाके DD, अब जब हम इसमें सिलेक्ट करेंगे तो सैटरडे संडे जहां भी होगा वो येलो से दिखाने लगेगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं सरकारी छुट्टी पे, हॉलीडे लिस्ट। हॉलीडे लिस्ट के लिए क्या करेंगे, यहां से नेट से ले लेते हैं हम कोई भी करंट हॉलीडे लिस्ट को, हॉलीडे लिस्ट 2014 की ले लेते हैं। यहाँ बहुत सारे हॉलीडे हैं, वही छोटी लिस्ट देख लेते हैं। गेस्टेड हॉलीडे उठा लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे फॉर्मेट गड़बड़ है थोड़ा, पुराने वाले में से किसी में से उठा ले।
तो ये एक ठीक ठाक सी लिस्ट है, इसको हम उठा लेते हैं। कॉपी कर लेते हैं या पेस्ट कर लेते हैं। ब्लैंक हटा देता हूँ इसमें से। तो ये मेरी एक लिस्ट आ गई। अब इसको सिलेक्ट करते हैं इस लिस्ट को और इसका नेम डिफाइन कर लेते हैं। यहां से मैं जो भी नाम दूंगा इसका वैसा हो जाएगा। मैं इसको नाम देता हूँ एचएल। अब इस रेंज का नाम एचएल हो गया। जब भी मैं इक्वल टू करके एचएल करूंगा तो मींस ये मेरी रेंज सिलेक्ट होगी। इसका फायदा क्या होता है कि हमें लॉकिंग वगैरह वो सब नहीं लगाना होता, जो हम डॉलर लगा देते हैं आगे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब मेरे को एक फॉर्मूला बनाना है कि अगर इस डेट को हॉलीडे है तो ये ऑरेंज से हाईलाइट हो जाए। मैं क्या करूंगा, इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि लॉजिकल कैसे लगाते हैं किसी फॉर्मूला को। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या रहेगी मेरी, ये रहेगी, डेट रहेगी। डेट को मैं कौन से टेबल में से दूंगा, वो एच एल आ जाएगा हमारा। कॉलम इंडेक्स 1 है, रेंज लुकअप 0, और हाँ इसमें मैं लॉक कर दूंगा अपना 7। रो को लॉक कर दूंगा ताकि जब मैं नीचे ड्रैग करूं तो मेरी रो नहीं चेंज होनी चाहिए। अब यहां तक तो ठीक है, वी लुकअप का ये आपने देखा होगा। बस जब हम इक्वल टू वापस यही कर देते हैं, मतलब जो इससे वैल्यू आ रही है अगर वो इक्वल टू इसके है तो वो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज एरर रिटर्न करेगा। तो एरर का जुगाड़ क्या करते हैं, इफ एरर दे देते हैं और वहां फॉल्स रिटर्न करवा देते हैं, क्योंकि जहां एरर है वहां वैसे भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को कॉपी करते हैं। हाँ, D7 में पहले ये 7 लॉक कर लेते हैं। अब ये फॉर्मूला मैं कॉपी करता हूँ, वापस यहाँ आता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल करके यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे दे देता हूँ। फॉर्मेट में जाके ऑरेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी फॉर्मेट प्रिंटर से लेके इसको यहाँ तक डाल देता हूँ। अब इसमें क्या हुआ कि ये स्टेट को मेरा सरकारी छुट्टी वाला दिन मुझे दिखा रहा है। वापस इसको डीडी में कर देता हूँ। अब देखना, इसको चेक करना हो तो 30 सितंबर को क्या था तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए 30 सितंबर को मिड ईयर अकाउंट, तो यहाँ से छुट्टी जो भी आएगी वो हमारे पास इधर आ जाएगी। जैसे हमें देखना है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे था, हालांकि उस दिन संडे भी था, जब हमारी छुट्टी खराब हो गई थी उस दिन। ये रहा, ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब मेरा कैलेंडर तो बहुत अच्छा बन गया। अब बात करते हैं कि एंट्रीज वगैरह कैसे होंगी। पहला तो मुझे अपना एक टाइटल चाहिए, अटेंडेंस फॉर द मंथ
ऑफ, अब ये चीज है मंथ ऑफ, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से आनी चाहिए कि इस मंथ के इस ईयर की है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, कभी भी आपको डेट चाहिए हो तो वही डेट का फॉर्मूला यूज करेंगे, ईयर मंथ हम यहाँ से ले लेंगे और डेट हम वैसे ही ले लेते हैं 1 तारीख। अब ये तो ले ली, अब कस्टम फॉर्मेटिंग या टेक्स्ट फॉर्मूला के थ्रू हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, इन विच हमने वो वैल्यू ली और फॉर्मेट टेक्स्ट कर दिया MMMM और YY से। जब हमने ये फॉर्मेट दे दिया तो ये मंथ का नाम ये सब यहाँ दिखाएगा। अब मुझे करना क्या है, मैं इसको फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ और इस टेक्स्ट के आगे, अब टेक्स्ट को मुझे फॉर्मूला में बदलना है तो इक्वल टू यहाँ लगाया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, यहाँ पे वापस इन्वर्टेड कॉमा बंद किया और कंकैटिनेट कर दिया इसको विद दिस फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है कि C3 C3 को चेंज करना था एक्चुअली। टेक्स्ट C3, एक्चुअली जो C3 जहाँ से ले रहा था वो हमारा डेट था, डेट का फॉर्मूला हाँ था। अब डेट का फॉर्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ, पहले ईयर फिर मंथ फिर डे दे देता हूँ, अब सही आएगा। तो जैसे ही आप यहां से कोई भी चेंज करेंगे वो आपको वहां पे इम्पैक्ट दिखेगा, यहाँ पे ईयर चेंज करेंगे तो ईयर का इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है जी, रिलिस्ट हो गई ऑटोमेटेड। एक चीज और हाईलाइट करानी है कि जब आज की डेट हो तो हमें अलग कलर से दिखाए, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। आज की डेट लाने के लिए सिस्टम से क्या करते हैं, टुडे का फॉर्मूला लगाते हैं। हमें क्या करना है, एक डेट सिलेक्ट करनी है, इक्वल टू टुडे डाल देना है, सिर्फ इतना, ट्रू फॉल्स में रिजल्ट दे देगा। जहां ट्रू होगा वहां हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट करा देंगे। तो कॉपी कर लिया मैंने फॉर्मूला, वापस गया यहाँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे डाला और फॉर्मेट में मैंने ये ब्लू चूज कर लिया। ओके, फॉर्मेट कर दिया, ये मुझे बार बार करना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि तो जब भी मैं फॉर्मेट कॉपी करता हूँ वहां का फॉर्मेट ले लेता है। ठीक है जी, अब देखते हैं आज की डेट में आके आ रहा है। परफेक्ट। अब जरा सा एक चीज और करते हैं कि ये अब मुझे थोड़ा सा बोल्ड करना है, मैं मैनेज रूल में जाऊंगा, वापस इसी फॉर्मूला में जाऊंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा, यहां से मैं जो फॉन्ट है उसको बोल्ड कर दूंगा। कहाँ से बोल्ड करूंगा, यहाँ से। ठीक है जी, बॉर्डर थोड़े से मेरे को वैसे चाहिए, इस तरह का बॉर्डर चाहिए, तो ये बॉर्डर भी अलग ही टाइप का शो हो। तो ये ऐसे दिखाई देने लगेगा आपको। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, अब इसको अटेंडेंस को फिल करवाते हैं। अटेंडेंस को फिल कैसे कराएंगे, मैं हॉलीडे लिस्ट ली, अटेंडेंस ले लेते हैं या लीव रिकॉर्ड कर देते हैं। संदीप, जो जो 28 डेज के बाद फॉर्मेटिंग आ रहा है वो क्या हम निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। चलिए पहले मैं उस फॉर्मेटिंग को ही निकाल के दिखाता हूँ, जैसा कि आपने देख लिया। अब हाँ। यहाँ पे हम इस पे आते हैं, फॉर्मेटिंग निकालने के लिए हमें उसी फॉर्मूले पे वापस जाना पड़ेगा। सिंपल सा फॉर्मूला देना है, अगर नीचे वाला, अगर ये ब्लैंक है, अगर हमारा ऊपर वाली सेल ब्लैंक है तो इसको हम बॉर्डर को वो कर देंगे।
इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर ये सेल इसमें 6 मैं रोक लेता हूँ इक्वल टू ब्लैंक, बस इतना करना है। ये फॉर्मूला मैंने कॉपी किया और यहाँ पे गया मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने फॉर्मूला, फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाके मैं यहाँ से ये हटा दूंगा। अब इसको फॉर्मेट प्रिंटर से इतने एरिया को फॉर्मेट कर दूंगा। ओके अब देखते हैं, मार्च लिया फुल आ गया, इसको फॉर्मेट को कर देते हैं। ठीक है जी, अब हम कोई भी चूज करेंगे तो ये उस हिसाब से हो जाएगा। एक सेकेंड सर, हेलो हेलो, यस सर, हाँ जी संदीप बोल रहे, बढ़िया सर बढ़िया सर, बताइए सर। वो सर टाइम नहीं मिला थोड़ा सा, मैं वो जी सर गए हैं ना शादी वगैरह में अपने, वो उधर ही था थोड़ा बिजी था, करेंगे उसको भी करेंगे दोबारा, ठीक है ना, बीच में मैं टाइम निकालता हूँ कुछ नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, और बाकी फिर मैं इस हफ्ते ही थोड़ा सा बिजी हूँ, नेक्स्ट वीक में आगे भी खाली रहूँगा तो दिन में कोई किसी भी टाइम देता, ठीक है ना। आज की वही है सर, जितने मेरे आपका मुरली के साथ ना, हाँ मुरली के साथ उसी टाइम में सर, हाँ जी हाँ जी उसी टाइम में, हाँ जी बिल्कुल सर, ओके ओके ओके। तो ये अभी हमने उसमें फॉर्मेट देख लिया, अब हम लीव रिकॉर्ड बनाते हैं। लीव रिकॉर्ड में एक चीज है, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि इस तारीख को मैंने छुट्टी ली, किसी बंदे ने छुट्टी ली है, क्या लॉजिक हो सकता है इसके लिए? इसके लिए लॉजिक ये होगा, जब मैं इसको डेट के साथ कंबाइंड कर दूंगा, अगर मैं इसको इसके साथ कंकेटिनेट कर दूं, जैसे कि मैं यहां से कुछ आईडीज चूज करता हूं, तो मैंने चूज किया, मैं डाला, एक मैं हेल्पर कॉलम बना लेता हूं। हेल्पर कॉलम हमारा क्या करेगा, इसमें मैं इसको और जो डेट आएगी उसको कंकैटिनेट कर दूंगा, जो छुट्टी की डेट आएगी। तो हम देखते हैं जरा कैलेंडर देखते हैं, इसी मंथ में छुट्टी दे देते हैं, मार्च में दे देते हैं, चलिए मार्च में मान लीजिए इनकी 4-5 छुट्टी की इसने, अगले ने कर ली 11-12, यहाँ पे हम 4 मार्च 14 इनको कर देते हैं 5 मार्च 14, देखते हैं ज्वाइनिंग से तो कोलैप्स नहीं हो रही, हाँ ठीक है, सुरेश को 20 मार्च को दे देते हैं 20 मार्च 14, ठीक है जी। तो ये इस टाइम हमारे पास हो गई लीव इनकी।
अब यहाँ मैंने कंकैटिनेट किया है, ये डेट का जो कुछ नंबर होता है, अगर आप किसी भी डेट को जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ नंबर से देता है, तो वो एक यूनिक कोडिंग सिस्टम हो गया हमारा एम्प्लॉय कोड के साथ अटैच होके। अब इसमें मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा, एक वी लुकअप का फार्मूला लगाऊंगा, डायरेक्ट लगाते हैं इस जगह वी लुकअप का मैंने फार्मूला लगाया, इसमें लुकअप वैल्यू हो गई मेरा एम्प्लॉय आईडी, और कंकैटिनेट किया मैंने करंट डेट को यहाँ से। टेबल एरे जो मैं चूज कर लूंगा वो लीव रिकॉर्ड से मैंने कर लिया। नाउ कॉलम इंडेक्स क्या है, फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, और फॉल्स फॉर एग्जैक्ट मैच। अगर ये यहां पे अगर वैल्यू आ रही है, ये इक्वल टू है इसके, अगर ये इक्वल टू है इसके, तो यहां पे क्या देना है, एल दे देना है, अदरवाइज क्या देना है, पी देना है। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा फ्रीजिंग की जरूरत है। A8 इसमें मैं क्या फ्रीज करूंगा, कॉलम फ्रीज करूंगा, और जो डेट वाला सिस्टम है इसमें क्या फ्रीज करूंगा, रो फ्रीज करूंगा। लीव रिकॉर्ड में कॉलम फ्रीज कर दिए। संदीप अपना फोर्थ कॉलम में तो डेट है, तो आप डेट को वी लुकअप से ला रहे हो ना वहां से? फोर्थ कॉलम एक्चुअली डेट डेट है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फोर्थ कॉलम। अच्छा चलिए, वहां वहां मतलब फर्स्ट कॉलम करके चाहे ये ला सकते हैं, चाहे डेट भी ला सकते हैं, सीधे डायरेक्टली डेट दे देते हैं, वहां से हम डेट ला रहे हैं, हमारा मकसद तो खाली मैच कराना है। ठीक है जी, हाँ तो हम डेट को ही ले लेते हैं। और अगर इसमें कुछ नहीं आ रहा है, वी लुकअप में कुछ नहीं आ रहा है, तो मे बी क्योंकि एरर लॉजिकल फॉर्मूला से इक्वल टू वो नहीं कर सकता, तो इफ एरर का एक फंक्शन लगाना पड़ेगा मुझे, वही वाला अपना, अगर एरर आ रही है तो फॉल्स। अदरवाइज तो इक्वल टू हो ही जाएगा, तो यहाँ पे मेरा पी आ गया। मार्च चल रहा है तो जहां इन्होंने छुट्टी लिया था वहां एल आ जाएगा, ये आ गया। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहां तो लीव आ गया, पर जब सैटरडे संडे है वहां तो वीकली ऑफ आना चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सैटरडे संडे चेक करवा लेते हैं अपना। इफ के फॉर्मूला से पहले एक इफ का फॉर्मूला लगा देते हैं, इसमें चेक वही और का फॉर्मूला ले लेते हैं, अगर ये ऊपर में इक्वल टू सैटरडे है या फिर D6 इक्वल टू संडे है, सैटरडे संडे अगर है तो यहां पे क्या टाइप कर दे, वीकली ऑफ, अदरवाइज फॉल्स में क्या जाएगा, वो एज इट इज फॉर्मूला जाएगा।
मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और इसको फ्रीज कर देता हूँ 6 को। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, वीकली ऑफ मैंने एडजस्ट कर दिए। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, ये जो गेस्टेड हॉलीडे है हमारे, इनमें जो है मेरा एच लिखा आना चाहिए। तो फिर से क्या करना है, एक और इफ का फॉर्मूला आगे लगा देना है। इफ अगर अगर VLOOKUP VLOOKUP लगाएंगे, और सिंपल सा एक और भी फॉर्मूला है जो हम लगा सकते हैं इस एरर का, जिसमें हमें पता पड़ जाता है कि एरर है कि नहीं। VLOOKUP का फॉर्मूला अब लगाएंगे। तो क्या करना है, ऊपर वाली डेट तो हमने गेट करना है किसमें, एचएल में कॉलम 1,0। अब एचएल में हमने गेट किया, अगर एरर है तो ट्रू में ये करना है, फॉल्स में वो करना है। अब ट्रू फॉल्स की रिप्लिकेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसमें नॉट लगा दूंगा, ट्रू का फॉल्स में बदल जाएगा, फॉल्स का ट्रू में बदल जाएगा। तो यहां पे मुझे क्या करना था कि सरकारी छुट्टी हो तो एच दिखाए, ठीक है जी। इस एरर से पहले मैं नॉट का फॉर्मूला लगा दूंगा, नॉट के फॉर्मूला के अंदर इसको एनकैप्सुलेट कर दूंगा। इस एरर का फॉर्मूला पहले क्लोज करूंगा, देन नॉट का फॉर्मूला क्लोज करूंगा, एंड लेट्स सी। हाँ, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा रो को। आ गया ये फॉर्मूला, तो मेरा हॉलीडे भी इज एरर एंड नॉट का कम, देखिए इस ये एरर नहीं समझा एक्चुअली थोड़ा सा। वी लुकअप में अगर वैल्यू मैच नहीं करी तो डेफिनेटली एरर ही आना है। हाँ जी, हाँ एरर आना है, तो इस एरर पता लगाएगा कि एरर है कि नहीं। अब अगर एरर है तो क्या करना है, एरर है मतलब अगर वो गेस्टेड हॉलीडे नहीं है तो हमें ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है, पर मैं उसे चला रहा हूँ फॉल्स के सेक्शन में, तो मुझे क्या करना है, ट्रू को फॉल्स करना है, फॉल्स को ट्रू करना है। तो मैंने नॉट का फॉर्मूला लगा दिया। ओके ओके, ठीक है। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, वहां पे देखेंगे आपने, मैंने VLOOKUP किसी और तरीके से यूज करा, इक्वल टू करके यूज किया है, यहाँ मैंने लॉजिक बदल दिया अपना। तो फॉर्मूले कई सारे हैं, अगर हम उसे ट्रू वैल्यू में लेते हैं जो फॉल्स वैल्यू वाला फॉर्मूला नॉट ना यूज करें तो फॉर्मूला भी कंजेस्टेड हो जाता, समझ में नहीं आता फिर। हाँ, तो जिस फ्लो में चल रहा था फॉर्मूला उसी फ्लो में चलाने के लिए ये एक लैंग्वेज की तरह वर्क करते हैं, ठीक है जी। ओके ओके, अब यहाँ तक आपने देखा कि आपके पास एच भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। एक रिस्ट्रिक्शन लगानी है इधर, एक क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि जब बंदे ने 6 जनवरी से ज्वाइन किया है तो उसकी अटेंडेंस भी 6 जनवरी से ही शुरू होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें क्या लगाएंगे, हम फिर से अपने एक पे आ जाएंगे, इसके आगे एक और इफ लगा देंगे। अब ये फॉर्मूला थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। अगर ये जो वैल्यू है इस ग्रेटर देन दिस वन, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए।
ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या मुझे करना है, सी में मुझे कॉलम लॉक करना है और डी में मुझे ये इस डेट वाले में मुझे रो लॉक करनी है। बड़ी या छोटी? क्या चीज? अब मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग कर देता हूं यहां नीचे और जनवरी में चला जाता हूं वापस। अब आप जैसा कि यहां भी देख रहे होंगे ये फॉर्मूला ड्रैग हुआ है, तो 5 तारीख से था तो 5 तारीख से स्टार्ट हुआ, ठीक है जी, 5 मार्च से, 12 मार्च से था 12 मार्च से। जैसे यहां चेंज करूंगा जनवरी पे देखना है मुझे, तो जनवरी में आ गया, तो ये वैल्यू एज इट इज 6 मार्च से स्टार्ट है, 6 जनवरी से स्टार्ट है और ये 21 जनवरी से स्टार्ट है। अब स्टार्टिंग तो हमने कैप्चर कर ली, एंड कैप्चर करना है किस वजह से, कि टुडे के आगे बढ़े ना, ठीक है जी। टुडे के आगे बढ़े ना, तो हमने क्या सिर्फ यही पता लगाना है कि डेट आज से बड़ी है कि नहीं। इफ ये जो डेट है इज ग्रेटर देन टुडे तो क्या आना चाहिए, ब्लैंक। लॉक करना रह गया आपका। ओके ओके टुडे यस। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बन गया, कंप्लीट सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया। वापस जाएंगे 1 जनवरी, 2 जनवरी, अप्रैल। अब आप इसमें छोटी मोटी चीजें और कर सकते हैं, जैसे लीव कर रहा है, लीव दिखाई हमने, तो इसको फॉर्मेट करवा सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल सा है, यहां अगर ये वैल्यू हमारी इक्वल टू एल है तो हम इसको बोल्ड करवा सकते हैं, कलर डिफरेंट करवा सकते हैं सिंपली। चलिए वो भी कर ही देते हैं साथ के साथ जब कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, क्या ये इक्वल टू एल है, बस इतना। इसमें कोई लॉकिंग नहीं लगानी क्योंकि हम करंट वैल्यू चेक कराएंगे। यहां पे आ जाएंगे लगाते समय, न्यू रूल यूज फॉर्मूला यहां पे डाल दिया, फॉर्मेट सेट कर दिया हमने डिफरेंट कलर से, फिल में हमने रेड चूज कर लिया, फॉन्ट जो हमने कर दिया बोल्ड कर लिया, ओके ओके। और इसको मैंने फॉर्मेट प्रिंटर से अगेन फॉर्मेट कर दिया, ठीक है जी। ठीक है, तो आपका ये अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार है। आप इसमें थोड़ी बहुत फेर बदल करके अपने ऑफिस के लिए भी ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं, जैसे सैटरडे संडे है, आप चाहें तो कई जगह संडे ही होता है छुट्टी, वैसे कर सकते हैं, हॉलीडेज अपनी मर्जी से डाल सकते हैं। यस, क्या इसमें हम टोटल टोटल प्रेजेंट डेज एंड लीव देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख उसी सकते में, हैं, उसमें भी देख सकते बट हैं। वो दिक्कत होगी कि हमें वो 3 कॉलम्स के बाद ही डालना पड़ेगा। हाँ वो दिक्कत होगी आपको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, और नहीं तो इसको कैलेंडर को आगे रखिए, यहाँ पे बनाइए, जब ऐसी दिक्कत होती है तो आप उसको यहाँ पे टोटल दिखा सकते हैं, आगे पीछे बढ़ता रहेगा वहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से दिखा सकते हैं। हालांकि ये हो भी यहाँ भी सकता है, पर इसमें आपको पता है इफ के कितने, मतलब ये जो फॉर्मूला चल रहा है बड़ी मुश्किल से इस फॉर्मूला की हालत खराब हो जाएगी है जी। ओके तो इतनी तकलीफ नहीं देंगे हम फॉर्मूले को,
तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा सर। चलेगा, ठीक है ठीक है। जब एक्सेल इतना कर रहा है तो थोड़ा तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इसके थोड़ा रहम खाएं। ठीक है जी, तो ये फाइल आपको चाहिए होगी मेरे ख्याल से। डेफिनेटली। तो इसमें आपका मतलब ये सजेस्टिव है कि इस चीज को 3 से 4 बार बना के देखें, तो आप मतलब फॉर्मूला में अच्छी खासी मास्टरी कर जाएंगे। ठीक है जी, बाकी मैं आप दोनों को इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब के थ्रू अपलोड करके डाल दूंगा मेरे ख्याल से। अब बाकी आपको पुरानी रिकॉर्डिंग मिल गई है? नहीं मिली? अभी ठीक है जी, तो चलिए फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। ठीक है जी, सर जी ये इसका हेलो हाँ जी,